लोकसभा चुनाव 2024 हेतु आदर्श आचार संहिता 16/3/2024 को आदर्श आचार संहिता के लागू होने के उपरांत पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न थाना चौकी द्वारा लगातार अभियान चलाकर बदमाश असामाजिक तत्वों अवैध शराब गांजा विभिन्न नशीली दवाओं के तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। विगत वर्षों में नक्सल प्रभावित रहे विभिन्न ग्रामों का 5 बार एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई एवं समय समय पर दिगर राज्य की पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त सर्चिंग अभियान कॉम्बिंग गश्त चलाया गया। पुलिस द्वारा क्षेत्र के होटल ढाबा लॉज बस स्टैंड एवं अन्य भीड़भाड़ वाले संवेदनशील इलाकों में नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाया गया। जिले में पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर सभी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया है। जशपुर जिले में सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रभावी चेकिंग हेतु अंतरराज्यीय बॉर्डर चेक पोस्ट सहित सीमावर्ती सरहदी क्षेत्रों में अंतर जिला चेक पोस्ट की व्यवस्था कुल 10 जगह भलमंडा लोदाम डडगांव सकरगेड़ा कोल्हेन झरिया लावाकेरा ऊपर कछार कांची आस्था सुखरापारा सुरंग पानी तिलगेड़मा पर भी की गई। इन चेक पोस्ट पर गुजरने वाले वाहनों की पूरी तरह चेकिंग करने के उपरांत वाहनों का नंबर वाहन चालक का नाम एवं पहचान दर्ज की गई। साथ ही 3 फ्लाइंग स्क्वाड को भी तैनात किया गया है। दिनांक 16/3/2024 से दिनांक 4/5/2024 तक की कार्रवाई की जानकारी इस प्रकार से SP शशि मोहन ने दी है। आचार संहिता लगने के बाद जशपुर पुलिस लगातार लघु अधिनियम और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जारी रखी। साथ ही होटल ढाबा लॉज की चेकिंग नाकेबंदी 10 SST पॉइंट 3 FST पॉइंट के माध्यम से और वाहन चेकिंग के माध्यम से नशीले पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान शराब के कोचियाओं के खिलाफ लगातार अभियान करते हुए 1147 असामाजिक तत्वों के खिलाफ में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 550 लोगों के खिलाफ बॉन्ड ओवर की कार्रवाई भी की गई। कई लोगों को जेल भेजा गया। आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। इस तरीके से नक्सल एरिया में भी एरिया डोमिनेशन का भी काम किया गया। तो जब से आचार संहिता लगा पुलिस के द्वारा लगातार उसके मद्देनज़र विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयाँ करते हुए कई लोगों को जिला बदर भी किया गया और आने वाले दिनों में जो 7 तारीख को इलेक्शन होना है उस दिन पूरी कोशिश जशपुर पुलिस ने किया है कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान सम्पन्न हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने के लिए घरों से निकले। ये जशपुर पुलिस का प्रयास है।